दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। घटना के एक चश्मदीद विकास का कहना है कि उसने सड़क पर मौजूद पुलिस कर्मियों को बताया था कि कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। विकास को हादसे वाली सड़क पर जा रहे दो पुलिस कर्मी दिखाई दिए थे। रास्ते में दो पुलिस वाले मिले, उन्हें मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे मैंने देखा है, आप एक बार देख लो, ऐसे ऐसे गाड़ी पे जाते हुए मैंने देखा है, कंजावला की तरफ गाड़ी गई है, ऐसे देख लो। तो उन पुलिस वालों ने मेरे से ये बात बोली कि तेरे तो नहीं लगी, मगर नहीं जी बाकी हम देख लेंगे, तू जा। घटना 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को हुई थी। नए साल के जश्न की वजह से दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम के दावे किए थे, लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा और जगह जगह पुलिस की तैनाती के बीच इतनी बड़ी घटना आखिर कैसे हो गई? पुलिस की मौजूदगी के बीच कार सड़क पर दौड़ती रही। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि 13 किलोमीटर तक किसी भी पुलिस कर्मी की नजर कार पर नहीं पड़ी। कल था सर, पीछे कॉल आई थी सर, उससे पता चला था। आपकी जो नजर नहीं गई उस गाड़ी पर, उसका रास्ता तो इसी रूट से था। अपोजिट से एक और पुलिस कर्मी भी मिला जो रविवार को रात ड्यूटी पर हादसे वाले रूट पर मौजूद था, लेकिन उसे भी कार के नीचे लड़की फंसी नहीं दिखाई दी। हमारे को नहीं मिली। अच्छा, आप थे ड्यूटी पर सर, ये पूछ रहा हूँ। कल ड्यूटी पर रानी खेड़ा की तरफ। अच्छा, तो आपको पता चला यहाँ से वो जो कार निकल रही थी जिसमें वो जो बॉडी थी वो उसमें थी? हमें नहीं पता। इतनी चाक चौबंद सुरक्षा के बीच 13 किलोमीटर तक लड़की कार के नीचे घिसटती रही है। सवाल उठता है कि आखिर एक भी पुलिसकर्मी की नजर कार पर क्यों नहीं पड़ी? और इस मुद्दे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निष्पक्ष जांच करके रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को समन किया है और हमने समन्स इश्यू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। आम आदमी पार्टी की विधायक राखी बिड़ला सुल्तानपुरी थाने पहुंची, लोगों का गुस्सा उन पर भी फूटा। ये मुद्दा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बेटी का मामला, बेटी की सुरक्षा का मामला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घटना पर ट्वीट करते हुए कहा कि कंझावला में हमारी बहन के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा राजनीति नहीं इंसाफ होना चाहिए। ऐसा अत्याचार करने वाला किसी पार्टी का नहीं हो सकता, हम आम आदमी पार्टी नहीं है। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली की घटना पर गुस्सा जाहिर किया। बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है। और इस वक्त दिल्ली के कंझावला में लड़की की मौत से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बताया जा रहा है कि कंझावला में जो लड़की मारी गई उसका पोस्टमार्टम अब पूरा हो गया है। लड़की का पोस्टमार्टम करीब 1.5 घंटे तक चला और इसमें 3 डॉक्टर्स की एक टीम शामिल थी जिसने पोस्टमार्टम किया। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बाहर आ सकती है जिसमें लड़की की मौत की असल वजह और उसके शरीर पर लगी चोटों के बारे में पूरी जानकारी सामने आएगी। करीब 1.5 घंटे तक चला ये पोस्टमार्टम अब खत्म हो गया है। बताया ये जा रहा है कि जल्द ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी रिलीज कर दी जाएगी। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ हो पाएगा कि आखिर लड़की की मौत की वजह क्या थी और उसके शरीर पर जो चोटों के निशान मिले हैं वो भी पूरी तरह से डिटेल्स सामने आ जाएंगी इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद। 3 डॉक्टर्स की एक टीम ने ये पोस्टमार्टम किया और अगले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में ठंड बढ़ सकती है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी तक ठंड काफी बढ़ सकती है। वहीं ठंड से बचाव के लिए कई लोग आलाव का सहारा ले रहे हैं जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यूपी के हापुड़ में कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोहरे के कारण 2 ट्रक आपस में टकरा गए। वहीं इस बीच पीछे से आ रही एक कार भी ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए जिनमें से फिलहाल 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के भागलपुर में शीतलहर ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें 12 घंटे की देरी से भी चल रही हैं जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं।
यूपी के अनूपपुर में कांग्रेस विधायक के सरेआम फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस विधायक ने अपने जन्मदिन के मौके पर जमकर डांस किया और इसी दौरान स्टेज पर चढ़कर हवाई फायर भी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में हुई नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए इसके खिलाफ दायर की गई 58 याचिकाएं खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने नोटबंदी के मामले में अपना फैसला सुनाया, जो कि 4-1 के बहुमत के साथ नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में गया। बेंच ने कहा कि आर्थिक फैसलों को बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 8 नवंबर 2016 को लिया गया नोटबंदी का केंद्र सरकार का फैसला सही था। संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से माना है कि नोटबंदी का फैसला लिए जाते वक्त अपनाई गई प्रक्रिया में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस बी रामसुब्रमण्यन ने केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस बी वी नगरत्ना की राय बाकी जजों से अलग रही। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से पहले सभी याचिकाकर्ताओं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के पक्ष को सुना और अपने फैसले में केंद्र सरकार की ओर 8 नवंबर 2016 को जानकारी जारी की गई अधिसूचना को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी का फैसला अचानक नहीं लिया गया, बल्कि इस मुद्दे पर केंद्र और आरबीआई के बीच 6 महीने लंबी चर्चा हुई थी और नोटबंदी का फैसला लेते समय संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। जस्टिस गवई ने कहा कि आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 26 ब्रैकेट 2 के तहत सरकार को सारे नोट वापस लेने का अधिकार है। बेंच ने नोट बदलने के लिए कम समय मिलने की दलील को भी खारिज कर दिया और कहा कि 1000 और 500 के नोट बदलने के लिए 52 दिन का वक्त दिया गया था। हालांकि संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना की राय अलग रही और उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला कानून के विपरीत था और शक्तियों का गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ था। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते वक्त आरबीआई ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इस मसले पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद बीजेपी और विपक्षी दलों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट के जरिए की। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार द्वारा लागू नोटबंदी का परिणाम 120 लोगों की जाने गई, करोड़ों लोगों का रोजगार छीना, असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ, काला धन नहीं कम हुआ, नकली नोट बढ़े। मोदी सरकार द्वारा नोटबंदी का निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक गहरे जख्म की तरह हमेशा रहेगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी काले धन का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी की आदत है अतिशयोक्ति करना और झूठ बोलना, यहाँ तो कोरा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है वो सिर्फ नोटबंदी की प्रक्रिया को लेकर अपना निर्णय सुनाया है, नोटबंदी को लेकर नहीं, उसके परिणामों को लेकर नहीं, उसके द्वारा जो उसका जो प्रभाव पड़ा है उसको लेकर नहीं। तो ये कह देना कि नोटबंदी की जीत हुई है बिल्कुल झूठ है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि नोटबंदी के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए राहुल गांधी देश से माफी मांगे। आपने देश भर में जो कैंपेन किया नोटबंदी के खिलाफ, आप सॉरी बोलेंगे जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही माना? वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नोटबंदी के पीछे केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि GDP ग्रोथ गिरा नहीं गिरा डिमोनेटाइजेशन गलत फैसले के वजह से प्रधानमंत्री के, जिसमें अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमोनेटाइजेशन की वजह से। आपको बता दें कि 6 साल पहले 8 नवंबर 2016 को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि 8 नवंबर 2016 की रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे। इस फैसले के पीछे सरकार ने 5 बड़े मकसद गिनाए थे। पहला मकसद देश में मौजूद काले धन को खत्म करना बताया गया था। दूसरा मकसद देश में कैशलेस लेन देन यानी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना बताया गया था। साथ ही पीएम मोदी ने बाजार में मौजूद नकली नोटों को खत्म करने का भी मकसद गिनवाया था। चौथा मकसद अर्थव्यवस्था में मौजूद बड़े नोटों को बाहर करने का बताया था, क्योंकि तब इन बड़े नोटों को ब्लैक मनी का सबसे बड़ा जरिया बताया जाता था। और नोटबंदी के पीछे सरकार ने 5वां बड़ा मकसद आतंकियों और नक्सलियों की कमर तोड़ना यानी टेरर फंडिंग पर नकेल कसने को बताया था।